हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नानी टेक्कम वीडियोस की चैनल। ये वीडियो में आपकी आरआरबी सेकेंडरी बैच जोन में लेवल फाइव में सेलेक्टेड कैंडिडेट है एक्सरिस मैन सर। वो सर आपकी डीवी के बारे में सारे बता देने वाले हैं, मैं भी कुछ बता दूंगा आपका। ओके, ठीक है ना सर, बताइए आप कहाँ से सर? सर मैं तो यूपी बलिया से हूँ। okay. और मेरी डीवी 5 दिसंबर को थी और फर्स्ट शिफ्ट में थी डीबी। ओके, आप कैंडिडेट कैटेगरी सर? मेरा यू आर कैटेगरी है सर। कितना मार्क्स आया सर आपका? तो मेरा, मैं एक सर्विस मैन 48.75 नंबर है मेरा। ओके, 48.75। हाँ, एक सर्विस मैन के यू आर कैटेगरी से। ओके सर, तो मेरा लेवल फाइव में क्लियर हुआ था, तो जिसका डीबी 5 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में था। फर्स्ट शिफ्ट में था। हाँ, डीबी का ये हो रहा है कि फर्स्ट शिफ्ट वालों को डीबी तकरीबन 2 से 2.5 बजे तक के बीच में कंप्लीट हो जा रहा है। ओके सर। उसके बाद आपको एक दिन का गैप दे करके और ये लोग फर्स्ट डीबी वालों को दूर भेज रहे हैं, जैसे गुंटूर भेज रहे हैं 15 बंदों का। okay, उसके बाद से 25 बंदों का बिजवाड़ा भेज रहे हैं। okay, उसके बाद 20 से 25 बंदों का नादेड़ भेज रहे हैं। okay, और काजीपेट भेज रहे हैं। ये 3-4 जगह फर्स्ट शिफ्ट वालों को भेजा जा रहा है। पहली शिफ्ट कितना बंदे है वो सबका दूर भेज रहा है? दूर भेज रहा है। जो भी 90 बंदे होते हैं, 90 बंदे में से तकरीबन 10-12 बंदे एबसेंट रहते हैं। okay, और दूर जो फर्स्ट शिफ्ट वालों का मैक्सिमम दूरी भेजा जा रहा है। ओके सर। और जो सेकंड शिफ्ट वाले बंदे हैं उनको सिकंदराबाद में ही रखा जा रहा है, जैसे सिकंदराबाद, हैदराबाद, काचीगुड़ा, ये okay, पास में ही, और जो सेंट्रल हॉस्पिटल है उसमें ही मैक्सिमम बंदों को हो रहा है। okay, सर। जो दूर आ रहे हैं, जैसे मेरा मेडिकल यहाँ पे गुंटूर में भेजा था। okay, तो जो दूर वालों का है लगभग गुंटूर में 1 डे में कंप्लीट हो रहा है। okay, अगर ए टू फिट है तो गुंटूर हॉस्पिटल 1 नंबर का है, बढ़िया, आने जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटर सिटी से आ जाए तो 4 घंटे में पहुंच जाते हैं सिकंदराबाद टू गुंटूर। okay, बाकी अगर एक्सप्रेस और मेल से आते हैं तो 5 से 6 घंटे में हम पहुंच जाते okay, हैं। 5-6, 7-8 घंटे में? 8 घंटे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन 6 घंटे मैक्सिमम में मैक्सिमम ट्रेनें पहुँचा देती है। okay, sir, okay, sir. और यहाँ आने के बाद हम सुबह के रात को आए, हमने रूम लिया, खाने भी यहाँ ठीक है, रूम भी 500 से लेकर 1000 रुपया के बीच में बेस्ट मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है यहाँ पे। और एक दिन में मेडिकल हो रहा है, सुबह हम 8 बजे रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद से शाम को आपको तकरीबन 12 बजे तक आपको सारा टेस्ट करने के बाद वो लोग भेज देते हैं बाहर एक्सरे के लिए। सर हम डीवी के बारे में बता कर चुका हूँ। पहले डीवी में आप क्या क्या कर? हाँ, पहले डीवी में मैं एक सर्विस में, तो डीवी के दिन क्या हुआ, सबसे पहले हमें 20-20 और 25-25 के ग्रुप में बांट देते हैं। एक्चुअल में नियमानुसार 3 बैच बांटते हैं 30-30 ग्रुप में, लेकिन उसमें कुछ बंदे एबसेंट होने के कारण किसी में 20, किसी में 25, किसी में 30 हो जाते हैं। okay, और इसको बांटने के बाद 3 हॉल में बैठा दिया जाता है। बैठाने के बाद से सबसे पहले जो TCS वाले कर्मचारी हैं वो हमारा वेरिफिकेशन करते हैं। ओके, बायोमेट्रिक जिसमें कि आपका फर्स्ट जो लेवल का एग्ज़ाम हुआ था उसका बायोमेट्रिक होगा, सेकेंड लेवल का होगा और थर्ड लेवल का। okay, जो भी जो टाइपिंग वाले हैं उनका भी बायोमेट्रिक होना है। okay, उसके बाद लाभ बायोमेट्रिक फोटोग्राफी हो रही है जिसमें अपना नंबर और वो एक नंबर अपना अलाट करके रखे हुए हैं मेडिकल के लिए, वो नंबर लगा के फोटो खिंचवाते हैं मेडिकल लास्ट वाला। हाँ, और वो फोटो खींचने के बाद से वो लास्ट आपका वेरिफिकेशन कम्प्लीट हो जाता है। जिनका वेरिफिकेशन हो जाता है उनको 4 लोगों का टीम बैठ रही है जहाँ डीबी कर रहे हैं, वो okay, 4 लोगों के पास 4-4 बंदे को भेजा जा रहा है। okay, और उसमें जाने के बाद से वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, जैसे यूआर का है तो यूआर वालों को अपना 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, हाई स्कूल मार्क्स 10+2 मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके बाद ग्रेजुएट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। जिनका सर्टिफिकेट नहीं है ग्रेजुएट में उनका प्रोविजनल भी चल जा रहा है। PC भी चलता है, ओरिजिनल डिग्री भी चलता है। ओके, आपके पास मार्कशीट नहीं है तो सर? मार्कशीट नहीं है तो सिर्फ डिग्री से भी काम चल जा रहा है। ओके, केवल डिग्री सर्टिफिकेट, ओरिजिनल डिग्री भी चलता है? चल जाता है। हाँ ठीक है सर, लेकिन अगर मार्कशीट नहीं है, प्रोविजनल है तो नहीं चल रहा है, बाद में उसके लिए समय दे रहे हैं। ठीक है सर। आप एक्सरिस है ना, आपकी कोई NOC की और डिस्चार्ज सर्टिफिकेट की वही से बात कर? उसके बाद से हम एक सर्विस मैन है, तो एक सर्विस मैन वालों को क्या हो रहा है कि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट कंपलसरी मांग रहा है। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट में ये 3 चीज़ें मेंशन होनी जरूरी है, डेट ऑफ डिस्चार्ज हाँ, डेट ऑफ डिस्चार्ज, उसके बाद से आपकी मतलब ये क्या बोलते हैं, अरे डेट ऑफ डिस्चार्ज, अगर आप ज्वाइनिंग किए हों कहीं सिविल साइड में
तो आपका उसमें चेक कर रहे हैं कि अगर ज्वाइनिंग डेट दिया है तो उसमें एंट्री है तो एंट्री है। जैसे एक सर्विस कुछ होते हैं जिनका जिला सैनिक बोर्ड या राज्य सैनिक बोर्ड से उसमें जॉब लगती है तो उसमें उसमें एंट्री होती है। अगर वैसा है केस तो वहाँ से NOC कंपलसरी हो जा रही है। मैं जॉब है जी पोस्टल असिस्टेंट नागपुर में मैं पोस्टेड हूँ। 5 महीना लगभग जॉब हुआ है, अभी प्रोबेशन पीरियड में हूँ। तो मेरा NOC ना इशू होकर के एक सर्टिफिकेट इशू हुआ था जो कि रिकॉर्डिंग बताता था कि इस डिपार्टमेंट में अगला काम कर रहा है और ये अगला जा रहा है DB के लिए, अर्थात मेरे को परमिशन ओनली दिया गया था। यहाँ फिर भी सिकंदराबाद जोन में परमिशन भी एक्सेप्टेड है और ये हमारे को ये नहीं बोला गया कि आप कब ला के जमा कर दीजिए। हाँ, जब हम डिस्चार्ज होकर टेक्निकल रेजिग्नेशन देंगे उस समय हमें वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट। ओके सर, जब ज्वाइनिंग के समय होगा जो भी होगा। और कोई सर्टिफिकेट चाहिए ना आपका? ना 10th क्लास मार्क लिस्ट, इंटर और डिग्री। ओके, फिर डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और कोई आधार, कोई इसका आधार की फोटो कापी वाली मांग रहे हैं? वो बायोमेट्रिक से ही आपका आधार कापी मांगना शुरू कर देते हैं। तो वो फोटो कापी मांग रहे हैं वो लगाते हैं। उसके बाद अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी से सर्टिफिकेट जरूरी है। अगर तो नहीं, हाँ कोई कैटेगरी है तो आपकी कैटेगरी से बना एक कैटेगरी सर्टिफिकेट बना लेते हैं। जो अपना डिटेल नोटिफिकेशन में जो परफार्मा दिया है उस परफार्मा है तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो जो केंद्र सरकार की जो भी परफार्मा है इंग्लिश में जो टाइप होती है वो अपना जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है। उसके कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है यहाँ पे। सर मैं एक डाउट पूछूंगा, सम एक्सरिस मैंस डिस्चार्ज्ड आफ्टर 2019 मार्च 31st, वो भी अप्लाई किया? वो भी अप्लाई किया, बट नोटिफिकेशन से आप 2019 मार्च बिफोर से डिस्चार्ज करना चाहिए। बट आई नो सम एक्सरिस मैंस आफ्टर डिस्चार्ज्ड दे आल्सो अप्लाइड फॉर NTPC notification. What is the issue? What is the rectification for this problem? तो ऐसे कैंडिडेट तो अभी फिलहाल कोई नहीं आया था कि जो कि बाद में अप्लाई किया हो। लेकिन अगर ऐसा है तो उनका प्रोविजन था, मतलब कंफर्म तो नहीं बोल सकता हूँ लेकिन ये है कि उनका प्रोविजन है था कि अगर जॉब वो करते हैं कहीं तब तो NOC उनकी कंपलसरी है। अगर जॉब नहीं करते हैं, अप्लाई किए हैं तो ऐसा तो कैंडिडेट नहीं मिला था। अब उनके लिए अभी क्या प्रावधान है ये तो हम लोगों के सामने नहीं शो हुआ था। कोई भी कैंडिडेट ऐसा नहीं मिला था। ओके सर, आपकी पहली बायोमेट्रिक हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फिर क्या हो गया? बायोमेट्रिक होने के बाद सबसे पहले हमारा जो मेंबर थे कमेटी थी उनके सामने हम ये अपना डॉक्यूमेंट ले गए। हर एक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक किए प्लस साथ में फोटो, उसके बाद एक फाइल बनी। ओके, फोटो के बारे में एक बार बताऊंगा। बैकग्राउंड कंफर्म YT होना चाहिए, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड खुद ग्रीन था, एक्सेप्टेड, नो प्रॉब्लम, बैकग्राउंड के कोई रिलेटेड नहीं है। हाँ, फोटो में दो टाइप की फोटो ये लोग मांग रहा है, एक तो A4 साइज और दूसरा एक टिकट साइज। टिकट साइज इसलिए कि जो अटेंडेंस बुक है, अटेंडेंस बुक में वो टिकट साइज लगा करके वहाँ अटेंडेंस ले रहा है। एक पासपोर्ट साइज, एक टिकट साइज, एक नहीं चार पासपोर्ट साइज मांग रहा है, चार, जिसमें कि आपका, उसके बाद एडिशनल अगर आपके जो मेडिकल इंटीमेशन स्लिप है उसके ऊपर फोटो नहीं आया तो उसके लिए दो अलग से आपको खुद चिपकाना है इंटीमेशन स्लिप के ऊपर। अगर उसके ऊपर फोटो आया हुआ है नो प्रॉब्लम। सर अभी आइडेंटिफिकेशन मार्क्स बारे से बात कर दी। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऐसा है कि जो हम ऑनलाइन अपलोड किए हैं, अगर उससे डिफरेंस भी हो रहा है तो ये खुद यहाँ पर देख करके और वहाँ इंटीमेशन स्लिप में, मेडिकल इंटीमेशन स्लिप में मेंशन कर दे रहे हैं और वो वैलिड हो रहा है। यहाँ आ करके थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि हाँ इंटीमेशन मार्क है कि नहीं है, बाकी उसका कोई इशू नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर से थोड़ा डाउट है सर, SSC में हमके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होंगे, वो टिक करना, वो अपलोड करना अपलोड ऑनलाइन में, और कोई नई से अपलोड करना चाहिए तो? ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी नई आप कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप SSC में किए हैं चाहे नहीं किए हैं, क्योंकि ये आइडेंटिफिकेशन मार्क बदलते रहते हैं, आज यहाँ तिल नहीं है कल हो जाएगा। हाँ, तो इसका कोई इशू नहीं है। आप कहीं का भी दो आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर शो करते हैं नथिंग प्रॉब्लम। आपकी मिसमैच है तो एक फीमेल मैडम है ना अंदर, हाँ वो भी नई से लिख रहा है। नई से लिख रहा है, अगर आप जैसे मैंने ही अपना भरा था
जो आइडेंटिफिकेशन मार्क भरा था वो एक्सेप्ट ना करके एक को बोला कि नहीं ये तो सबके लिए कम पड़ता, जैसे मेरे कंधे के ऊपर जो बर्थ मार्क है उसको बोले सबको होता है इसलिए दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क दीजिए, तो मैंने दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क दिया तो वो एक्सेप्टेड हुआ और नोट कर लिया गया। कट मार्क्स भी, कट मार्क, कट मार्क्स भी नोटेड है। हाँ कट मार्क भी नोटेड है, लेकिन ये नहीं होता कि जैसे सबके जैसे बर्थ मार्क है ये कंधे पे जो होता है सबके लिए लगभग होता है तो वो सब एक्सेप्टेड नहीं है। और कोई इश्यू है सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका? कैसे बता सकते हैं आप किसी पोस्ट का सेलेक्टेड है, आपका B2 आया और A2 आया, आपके कैसे पता सकता है सर? ये अभी तो हम अपनी तरफ से कंफर्म नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल इंटीमेशन स्लिप होता है उसके पीछे वो मेंशन रहता है कि आप कौन सा पोस्ट प्रीफर किए हैं। अगर जब उसमें आप जो पहले नंबर पे जो प्रीफर किए हैं उसका वो मेडिकल कैटेगरी शो करेगा। लेकिन मेडिकल कैटेगरी मैं मेडिकल जो स्टैंडर्ड है मैं मेडिकल वाले वीडियो में आपको इंटीमेशन करूंगा, बताऊंगा कि उसके क्या मांग रहे हैं। ओके ओके सर। सर आपकी दूसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी हो गया, फोटो के बारे में हो गया, ओके सर्टिफिकेट्स दो सेट से जेरॉक्स मांगा, दो सेट जेरॉक्स मांगा, ओके इनका एक फाइल बना करके एक अपने तरफ से वो फार्म बना रहे हैं उसमें वो टिक कर रहे हैं कि कितना कौन कौन से सर्टिफिकेट और ओरिजिनल और फोटो कापी है वो टिक करके फाइल टोटल बना, दो कापी फाइल बना रहा है उस फाइल को एक जो सीनियर बैठे हुए हैं अधिकारी उन अधिकारी के पास पुटअप किया जा रहा है, बंदे साथ में लेके जा रहे हैं जो वहाँ का स्टाफ है उनके पुटअप कर देता है, वहाँ जाने के बाद वो साइन कर रहे हैं फाइनल और आपसे एक तरह से पूछ रहे हैं कि क्या है कोई दिक्कत है, चाहे कोई दिक्कत है तो वहाँ पे वो लोग बता रहे हैं, जिनका दिक्कत नहीं है तो वो अपना साइन कर देते हैं, कोई वहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। आप साइन करके के बाद मेडिकल की जो पे कर हाँ वो जो सुपरिटेंडेंट है वो साइन करने के बाद फाइनल आपका डीबी कंप्लीट हो जाता है। डीबी कंप्लीट होने के बाद आपका 24 रुपीस, डीबी कंप्लीट होने के बाद आपको मेडिकल इंटीमेशन स्लिप भरवाया जाएगा, उसके बाद आपको 24 रुपीज वहाँ कलेक्शन होगा, कलेक्शन के बाद से आपको मेडिकल इंटीमेशन स्लिप के साथ में आपको बता दिया जाएगा कि आपका मेडिकल कहाँ होना है, गुंटूर होना है, बिजवाड़ा है, कब आपको रिपोर्ट करना है, उस डेट में आप जा करके मेडिकल के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं और 2:30 बजे तक लगभग ये कंप्लीट हो जाता है, छोड़ देते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट के पीछे आपका क्या पोस्ट का सेलेक्टेड है, क्या मेडिकल आया, मेडिकल इंटीमेशन स्लिप के पीछे आपको ये जब आपको भरवाएंगे उस पर साइन कराएंगे लेफ्ट हैंड इंप्रेशन लेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि आपका किस पोस्ट के लिए आप प्रीफर किए हो वो पोस्ट पीछे शो करेगा। ओके सर ये ओके। और कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में? अब हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छोड़कर ब्लॉक डेट पर आने के चांसेस है सर? हाँ ब्लॉक डेट में आने के चांसेस कुछ बंदों का है, लेकिन ब्लॉक डेट में वो मेंशन ऑलरेडी कर रखा है कि जो जेन्युइन रीजन है, एग्जांपल के तौर पर किसी का एग्जाम हो या मेडिकल प्रॉब्लम हो गई हो उन बंदों को अटेंड करने के लिए ये लोग बोले हैं। ओके सर। और इस बार जो मेडिकल के लिए भेज रहे हो मेडिकल इंटीमेशन जो स्लिप हमारे को दे रहे हैं हॉस्पिटल में देने के लिए उसमें एक लाइन जरूर मेंशन है कि अगर आप हायर पोस्ट के लिए मेडिकल ये आपके मेडिकल करवाने जा रहे हो हायर पोस्ट के लिए, अगर आप हायर पोस्ट के लिए अप्लीकेबल नहीं होते हैं तो आपको 3-मेंबर कमेटी के पास भेजा जाएगा। ओके सर। ये लाइन मेंशन है इसमें। ओके सर। आप डीवी का स्किप करने के लिए केवल 1 और 2-3 तारीफ है, मैं पूछा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेरे सब्सक्राइबर्स के बारे से, एक एग्ज़ाम के बारे में आप छोड़ कर सकते हैं डीवी ब्लॉक डेट में आने सकते हैं, छोड़ने के बाद आप एडमिट कार्ड से आना पड़ता है CGL का और किसी एग्ज़ाम का, आप छोड़ दिया ना इसी एग्ज़ाम्स कारण से आप डीवी छोड़ गया तो वो हॉल टिकट आप जरूर लेना चाहिए। और आपका मैरिज है, तो आपका इनविटेशन कार्ड जरूर है, आप इनविटेशन कार्ड और आपकी पत्नी की दोनों मिलकर के एक फ़ोटो खींच करके वो फोटो भी मांग रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, ये मैंने पूछा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से। और सर आप क्या बताना सकते हैं आपका हिंदी पर्सन के लिए ट्रैवल के लिए आपके कितना टेबल अभी तक? अभी तक तो मेरा 5 तारीख से लेकर अभी तक चल रहा है। ओके। तो अगर मान लीजिए कि मिनिमम अगर 5 डेज रह रहे हैं तो 5000 तो 1 डे का रहने का और मतलब ओनली रहने का 5 दिन का 5000 और 5000 खर्च अर्थात 10,000 5 डेज के लिए 10,000 मिनिमम चाहिए। ओके मिनिमम 10,000 आपके साथ है तो आपकी दिक्कत नहीं। अगर मेडिकल कैटेगरी आपका ब्लू है
एग्जाम्पल के तौर पर मेरा चश्मा लग गया है तो मैं मेडिकल कैटेगरी ब्लू हूँ, इसके लिए आपको 10 दिन भी रुकना पड़ सकता है, 8 से 10 दिन मिनिमम, 8 से 10 दिन। तो उसी अनुसार आप प्रिपेयर करके आइएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। ओके सर। हाँ, हम सारे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके बाद हम मेडिकल के बारे में पूरा डिटेल्स आपके पहुंच जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने आने के लिए जाने के लिए थोड़ा ट्रैवल खर्चे से 300 लगेगा मेरा को दिन दिन का। ओके, मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, आप हाँ, देख सकते हैं। ये 3 दिन से आ रहे हैं सर, जब से हम लोग आए हैं यहाँ तब से ये लोग आ रहे हैं। तो मैं सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई इनको भी कुछ फाइनेंशियल दिया जाए, नहीं तो मान लीजिए कि हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है इनके बारे में कुछ करना। ये मैं सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा बहुत अगर एक एक सब्सक्राइबर से मदद होता तो इनके लिए काफ़ी होगा सर। आपकी वीडियो अच्छा है तो आपकी समाचार पहुँच गया है तो मेरा को थोड़ा हेल्प कर दीजिए। आपके नीचे डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें मेरा UPI ID लिंक भेज दिया। इस UPI ID से आप कुछ है तो 1 रुपये से आप कह सकते हैं, भेज सकते हो, आपकी हिम्मत से भेज कर दीजिए, ठीक है ना। मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा पूरा डिटेल्स हिंदी सब्सक्राइबर्स भी मैं पहुंच गाने की थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ, ठीक है ना फ्रेंड्स। सर, आप मेरा चैनल को और मेरा सब्सक्राइबर्स को क्या लास्ट कोई मैं यही बोलना चाहूँगा कि नानी टेक वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि ये हमारे लिए खासकर सिकंदराबाद जोन के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, इनका मेहनत का कुछ तो फल मिलना चाहिए। थैंक यू सब्सक्राइबर। थैंक यू सर, थैंक यू इंटरव्यू देने के लिए चला।